प्यारे भाई बहनों, सबको जय यीशु मसीह की। मैं हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिर से एक बार उसने मौका किया कि हम लोग उसके वचन को सुन पाए, उसके वचन को जान पाए। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि फिर से एक नया दिन, एक नया जीवन उसने हमें दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। प्रार्थना करेंगे, जितने जन आज परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, मुझे कहानी बहुत पसंद थी और मैं आज भी कहानी बहुत पसंद करता हूँ। एक बार एक बड़ी जंगल में एक हिरनी थी और वो जो हिरनी थी वो माँ बनने वाली थी और उसके माँ बनने का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका था। जब उसका समय नज़दीक आ चुका, वो जगह ढूंढने लगी कि कहाँ पे जाके वो अपने बच्चे को जन्म दे। अचानक जगह ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में एक बहुत बड़ी नदी थी। वो नदी के पास गई, नदी का साफ पानी, वहाँ का वातावरण देख के उसको लगा कि मुझे अपने बच्चे को यहीं पे जन्म देना है। ये सोचकर वो जो हिरनी थी उसी नदी के किनारे लेट गई। अचानक से पूरे आसमान में घनघोर बादल छा गया। पूरा आसमान ऐसा लग रहा था कि टूट के गिर जाएगा। जब उस हिरनी ने ये देखी, जब उसके नज़र में ये आया, वो थोड़ा डर गई। उसके कुछ देर बाद ही उसका नज़र बायां तरफ आया और अचानक से जब उसने बायां तरफ देखा, उसने क्या देखा? एक शिकारी उसको शिकार करने के लिए तीर धनुष लेके उसके आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जब उसने देखा कि वो शिकारी उसको मारने के लिए खड़ा है, तो वो सोची कि शायद आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। अचानक से फिर उसकी नज़र अपनी दाहिनी ओर गिरी और जब उसने दाहिनी ओर देखा, तो उसने क्या देखा कि एक शेर जो भूखा था उसको खाने के लिए आ रहा है। आसमान में काले बादल, घनघोर घटाए, सामने में नदी, बायां तरफ शिकारी, दाहिना तरफ वो शेर और सबसे करुण परिस्थिति थी वो अपने बच्चे को जन्मने वाली थी। उसके शरीर में उतना ताकत नहीं था कि वो वहाँ से भाग निकले। तब उसने बस एक ही काम किया, उसने उस आसमान की ओर देखा और परमेश्वर से कहा, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जीवन दाता परमेश्वर आप ही है, एक आप ही है जो बचा सकते हैं। बस उसने ये 2 से 3 लाइन उस आसमान की ओर देखा और कहा। अचानक से एक आश्चर्य कर्म हुआ, आसमान से एक बिजली कड़की और वो बिजली उस शिकारी पे जाके गिरा। जहाँ उस शिकारी पे जाके गिरा, उसके हाथ में जो तीर धनुष था, उसके तीर से धनुष निकल गया और वो धनुष जाके शेर पे लग गई। वो शिकारी भी मर गया बिजली गिरने के कारण। वो धनुष जो शेर पे जाके लगा, वो शेर भी उसी समय मर गया
और उस हिरनी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को जन्म दिया। परमेश्वर के संतानों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो, शायद आपके जीवन की भी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आसमान में घनघोर घटाए हैं, बायां तरफ शिकारी है जो आपको शिकार करने आ रहा है, दाहिना तरफ कोई भूखा शेर है जो आपको मारना चाह रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। जब आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप उस परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देंगे, वो आपके हर एक कष्ट को, आपके जीवन की परिस्थिति जितनी ही बुरी क्यों ना हो, वो आपको बचाएगा। जैसे उस हिरनी को परमेश्वर ने बचाया, उसने प्रार्थना किया ईश्वर के पास। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप उस परमेश्वर के पास जाइए। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम लोग अपने जीवन में हर काम को करते हैं, हम लोग अपने ऑफिस जाते हैं, हम लोग अपने स्कूल जाते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हमारे जीवन के जितने काम हैं हम लोग सब कुछ करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गया है, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया हम लोग देख पाते हैं, उन सोशल मीडियाओं में हम लोग घंटे पे घंटा बिता देते हैं, हम लोग टीवी पे बैठ के घंटे पे घंटा बिता देते हैं, हम लोग अपने फ़ोन के साथ घंटों पे घंटा बिता देते हैं। लेकिन जब समय आता है परमेश्वर के साथ बिताना, वो समय हमारे पास नहीं होता। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताइए। आज आप अपने मुंह के बातों को परमेश्वर के पास रखिए। आज आप अपने दिल की चिंताओं को, अपने हृदय की चिंताओं को उस परमेश्वर के पास रखिए। मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पास प्रार्थना कीजिए, वो आपके जीवन के तकलीफों को दूर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है, मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा, हम लोग सब कुछ करते हैं, हम लोग इस मुंह से झगड़ा करते हैं, हम लोग इस मुंह से गंदी बात करते हैं, हम लोग इस मुंह से दूसरे की चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग अपने मुंह से प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, अपने मुंह को परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप अपने मुंह को परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग बहुत सारी जगह पे जाके खटखटाते हैं, बहुत इंसान के पास जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे पे जाते हैं जहाँ पे खटखटाते हैं, जहाँ से हमको कोई मदद मिल नहीं सकती, लेकिन हम लोग परमेश्वर के दरवाजे को नहीं खटखटाते हैं। आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि उसके दरवाजे को खटखटाइए। आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है, उस स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाइए, पर अपने प्रार्थनाओं के द्वारा आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं। अपने प्रार्थनाओं के द्वारा आप जब उस दरवाजे को खटखटाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया दरवाजा को खोलेगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम ढूंढो तुम पाओगे। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, जगत की चीज़ों को, लेकिन हम लोग परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, उसके इच्छाओं को ढूंढते नहीं हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, सिर्फ अपनी मांगों को उसके सामने रखते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए,
मुझे नौकरी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मांगो, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम लोग जब मांगे, हम लोग परमेश्वर को पूछे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए आपकी क्या योजना है। कभी कभी हम लोग उस परमेश्वर के पास बैठ के भी भूखे रह जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से भी तुम तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जल का सोता है, लेकिन हम लोग कभी कभी उस परमेश्वर के सामने बैठते हैं लेकिन तब भी भूखे रह जाते हैं। हम लोग उस परमेश्वर के सामने बैठते हैं तब भी प्यासे रह जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जब उसके सामने बैठते हैं अपने ही बातों को बोलते हैं, अपने ही चीज़ों को मांगते हैं, लेकिन उस परमेश्वर से एक बार भी हम लोग पूछते नहीं है कि प्रभु तू मेरे जीवन में क्या चाहता है, प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है, प्रभु तूने मेरे जीवन के लिए क्या सोच के रखा है। मेरे प्रियो, इस समय एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोग जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं मत्ती 6 अध्याय में, जो वो प्रभु का प्रार्थना लिखा है, वहाँ पे कहता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6:10 में कह रहा है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पर कौन है? ये पृथ्वी पर आप है, हम है। उसकी इच्छा पृथ्वी पे कैसे पूरी हो सकती है? जब उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, मेरे जीवन में पूरी होगी, तब उसकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी होगी। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी इच्छा, प्रभु मेरा इच्छा ये है, प्रभु मैं ये चाहता हूँ, प्रभु मैं ये मांग रहा हूँ, पर परमेश्वर से कभी ये नहीं कहते कि प्रभु तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है तेरी इच्छा वैसे मेरी जीवन में भी पूरी हो। हम लोग परमेश्वर से ये नहीं कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा जैसे उस स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसे ही तेरी इच्छा मेरे परिवार में पूरी हो। आज हम देख पाते हैं बहुत सारा परिवार टूटा हुआ है, बहुत सारा परिवार बिखरा हुआ है, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जो चीज परमेश्वर ने बनाया है शैतान हमेशा उसे तोड़ना चाहता है। परमेश्वर ने परिवार को बनाया और शैतान उस परिवार को ही तोड़ना चाहता है। क्या आज उस परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे प्रभु मैंने इतना दिन प्रार्थना किया है मेरी इच्छा मेरी इच्छा मेरी इच्छा, पर प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी इच्छा नहीं परंतु प्रभु तेरी इच्छा। क्या आज आप प्रार्थना करेंगे? क्या आज आप परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु मेरा तो परिवार टूट गया है, मेरा तो परिवार बिखर गया है, पर फिर भी मैं आज प्रार्थना करूंगा कि ये मेरा परिवार नहीं पर इस परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि इस परिवार को देने वाला भी प्रभु तू है। क्या आज आप प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:8, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्या आज आप उस परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आज से मेरी इच्छा नहीं परंतु प्रभु तेरी इच्छा? क्या आज आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं आज किसी इंसान के दरवाजे को नहीं, इस जगत के दरवाजे को नहीं, पर मैं आज तेरे स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाऊंगा? क्या आज आप परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु इतना दिन तो मैंने सिर्फ जगत के चीजों को ढूंढा है पर प्रभु बस हो चुका, आज से जगत की चीज को नहीं पर प्रभु मैं तुझे ढूंढूंगा, आज से जगत की चीजों को नहीं पर परमेश्वर मैं तेरी इच्छाओं को ढूंढूंगा? क्या आज आप उस परमेश्वर से बोलेंगे? अगर आज आप उस परमेश्वर से बोलेंगे
वो परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उत्तम योजना है। आपने अपने जीवन के लिए जो सोचा है उससे भी बड़ी योजना उसके पास है, और वो अपने योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:9, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अत जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। आप जगत के हैं, मैं जगत का हूँ। परमेश्वर कहता है जब तुम जगत के पिता हो, तुम जगत के माँ बाप हो, पर क्या तुम में से कोई ऐसा है जो तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर दो? क्या आप में से कोई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे को रोटी के जगह पे पत्थर दे और बोले तुम खा लो? क्या आप में से कोई माँ बाप ऐसे हैं जब बच्चा मछली मांगे तो उसको सांप दिया जाए? क्या आप में से कोई माँ बाप ऐसे हैं जो आपका बच्चा आपसे कोई भली वस्तु को मांगे और आप उसके हाथों में गलत चीज को दे दे? परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप जगत के होके, अगर आप इस दुनिया के होके अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, वो तो जगत का तारणहार परमेश्वर है, वो तो इस जगत का परमेश्वर है, उस स्वर्ग का परमेश्वर है, इस धरती का परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। वो दानियल का परमेश्वर था, वो याकूब का परमेश्वर था, और वो परमेश्वर आज भी है। जब आप जगत के माता पिता होके अपने बच्चों का बुरा नहीं मांग सकते, बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, तो आप भी सोचिए कि वो जगत का परमेश्वर, वो तारणहार परमेश्वर जिसके हाथ में हर चीज की शक्ति है, जब आप उससे मांगेंगे वो आपको क्यों नहीं देगा? जब आप उससे गिरगिराएंगे उसके पास, वो आपके प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? मेरे प्रियो, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है आपकी हर एक घटी वस्तु को, कमी घटी को आपके जीवन की वो पूरी करना चाहता है। क्या आप मांगने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसके इच्छा के अनुसार मांगने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं जो दरवाजा आपके जीवन में बंद है उसको खटखटाने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कोई अच्छा बर्ताव करे, हम लोग चाहते हैं कि सब कोई हमारे साथ अच्छा से चले, हम लोग चाहते हैं सब कोई हमारे बातों को समझे। हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हम परमेश्वर से जो भी मांगे परमेश्वर दे। लेकिन आज एक सवाल जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुने, पर आप कितना समय उसके साथ बिताते हैं? आप कितना समय उसके साथ रहते हैं? आज आप अपने मन को टटोलिए। जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत सारे सोशल मीडिया है जहाँ पे इंसान घंटे बिता देते हैं। पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर जो सबसे बड़ा मार्ग है, जो सबसे बड़ा रास्ता है, आप उसके साथ कितने समय बिताते हैं? आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना, हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, वाईफाई कहीं पर भी जाते हैं अगर उसमें पासवर्ड नहीं होता है तो वो इजीली कनेक्ट हो जाता है, और अगर उसमें पासवर्ड होता है तो उसका पासवर्ड उसमें टाइप करके कनेक्ट करना पड़ता है।
अगर आज आप उस परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पास भी परमेश्वर ने एक वाईफाई दिया है और वो वाईफाई आपके पास ही है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा कनेक्शन है? उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। हम लोग जब अपने घरों में ब्रॉडबैंड लगाते हैं, हम लोग जब अपने घरों में वाईफाई को यूज़ करते हैं, हमें पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में बिना कुछ दिए हुए कुछ भी नहीं मिलता। जब तक आप कोई भी चीज़ के लिए पे नहीं करेंगे, उसकी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। पर आपके पास एक ऐसा वाईफाई है जिसके लिए परमेश्वर आपको चार्ज नहीं करेगा, जिसके लिए परमेश्वर आपको बोलेगा नहीं कि तुमको इतना पैसा मुझसे कनेक्ट होने के लिए देना पड़ेगा। और आपको पता है वो वाईफाई कौन सी है? वो वाईफाई है आपका प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने हाथों को जोड़ते हैं, जब आप अपने आँखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर के नाम को लेते हैं, उस यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने वाईफाई के द्वारा उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्या आज आप कनेक्ट होंगे अपने वाईफाई के द्वारा? मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप इस वाईफाई के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। पर इस वाईफाई को आप जितने बार यूज़ करेंगे और जितने समय तक यूज़ करेंगे, इसमें प्रॉफिट आपका ही है। हम लोग जो वाईफाई यूज़ करते हैं उसमें एक लिमिटेशन रहता है, इतना KBPS से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, इसके बाद से इंटरनेट स्लो होना चालू होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने वाईफाई को जितना यूज़ करेंगे, आप उतना ही स्पिरिचुअल स्ट्रांग बनेंगे, उतना ही परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान पाएंगे, उतना ही परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। क्या आज आप परमेश्वर के साथ उस वाईफाई के द्वारा कनेक्ट होना चाहते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के साथ अपने प्रार्थनाओं के द्वारा कनेक्ट होना चाहते हैं? क्या आज आप परमेश्वर को बोलेंगे, हाँ प्रभु, मैंने इतना दिन अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जिया, पर आज से अपनी इच्छा नहीं, पर प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। अगर आज आप परमेश्वर से कहते हैं, तो आज का दिन, आज का समय सिर्फ आपके लिए है। मैं जब प्रार्थना करूँगा, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, और जब हम प्रार्थना करेंगे एक मन होके, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हैं और उस परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हम आपसे जुड़ सके। हालेलुया प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हम आपसे जुड़ सके और प्रभु आपकी इच्छा को हमारे जीवन में समझ सके। प्रभु इतना दिन हम लोगों ने प्रार्थना किया है, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, पर प्रभु आज प्रार्थना करते हैं, आज से मेरी इच्छा नहीं, परंतु प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु तू हमारे जीवन के लिए जो भी परिकल्पना करता है, तू हमारे जीवन के लिए जो भी योजना करता है प्रभु, वो उत्तम है। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबके जीवन में प्रभु तेरी परिकल्पना, तेरा प्लान और तेरी इच्छा पूरी हो। तू हमारी मदद कर प्रभु, तू हमें रास्ता दिखा परमेश्वर, तू हमें गाइड कर। जितने जन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मेरे साथ, उनके ऊपर तेरे आशीष को उंडेल दे प्रभु जी, इनके प्रार्थनाओं को आज तू सुन ले परमेश्वर। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।